Hey darlings, welcome to my channel, Mysticism by Purva. कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज. सो फाइनली आई एम बैक विथ न्यू मैनिफेस्टेशन टेक्निक. और ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है. इसे अप्लाई करके आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी विश को पूरा कर सकते हैं. ओके, इससे पहले भी मैंने बहुत तरीके के मैजिक एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, जिसको बहुत सारे लोगों ने यूटिलाइज़ किया है, उनको रिजल्ट्स भी मिले हैं. कमेंट सेक्शंस भी आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे टेस्टिमोनीज़ आपको देखने को मिल जाएगी. सो प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं इनकेस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मैनिफेस्टेशन वीडियोज़. सो ये जो मैनिफेस्टेशन वीडियो है ये भी बहुत ईजी है बट बहुत पावरफुल है, और इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अगर आप हर एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ध्यान से इस जो मेथड है इसको आप कंप्लीट करेंगे. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज शेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो. मेरी इंस्टा की आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको इंस्टा में भी फ्री गाइडेंस, रीडिंग्स, प्रेडिक्शंस, टेक्निक्स देखने को मिल जाएंगे. अबाउट स्पिरिचुअलिटी भी जानने का मौका मिल जाएगा. और मैं बहुत जल्द फ्री रीडिंग भी करने वाली हूँ. इंस्टा में सोच रही हूँ कि बर्थडे के पहले मैं आप सबके लिए फ्री रीडिंग लाऊँ एक. सो या आई एम जस्ट यू नो मैनेजिंग सो दैट मुझे थोड़ा टाइम मिले और मैं आप सबके लिए कर पाऊँ. सो इन केस अगर आपको चाहिए सो आप इंस्टा में ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको अपडेट्स वगैरह मिल सकें, वहाँ पर भी फैमिली का हिस्सा बनिए. सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले आपको इस टेक्निक को करने के लिए चाहिए होगा ग्लास का प्लेट, ग्लास का बाउल, कुछ भी ग्लास का एक बेसिकली कंटेनर, या फिर फाइबर का, ठीक है, प्लास्टिक फाइबर जो भी आप कहें. आपको किसी भी तरीके का स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब का यूटेंसिल्स जो होते हैं वो सब यूज़ नहीं करना है. कांच के कीजिए या फिर फाइबर या प्लास्टिक के. प्लेट होगा तो चलेगा, कोई बड़ा बाउल होगा तो भी चलेगा, ठीक है, कुछ भी, या कोई भी कटोरी, कुछ भी चलेगा. ओके, सो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा करके, यू नो, बिकॉज बहुत सारे लोग फिर से कमेंट करते हैं, तो मैं ताकि आप सबको समझ आ जाए इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है. तो मैंने यहाँ पर लिया है फाइबर या प्लास्टिक जो भी आप कहें उसका एक यहाँ पर प्लेट आपको दिख रहा होगा. और आपको लेने हैं 3 मिंट लीव्स, ठीक है. मेरे पास अभी मिंट नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको ऐसे ही फॉर अ डेमो शो कर रही हूँ, ठीक है. सो आपको लेने हैं पुदीने के पत्ते, 3 पुदीने के पत्ते, ठीक है, रियल वाले जो पत्ते आते हैं जिसको हम खाते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, वो 3 पुदीना के पत्ते आपको लेने हैं, ठीक है. 3 मिंट लीव्स आपको लेने हैं और आपको प्लेस कर देने हैं जिस भी बाउल या जिस भी प्लेट पे आप करने वालों मेथड को, ठीक है. उस 3 पुदीने के पत्ते को आप ले लीजिए. आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट से भी अगर आप लेते हो या प्लग करके लेते हो, एनीथिंग इज़ फाइन, धोने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है. और आपको चाहिए गर्म पानी, ठीक है. एक बार जब आप पुदीना के पत्तों को रख देते हो फिर आपको टच नहीं करना, कैसे भी रख सकते हो, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिस्टमैटिक मैनर में ही रखना है, कैसे भी आप रख सकते हो. रखने के बाद अब आपको टच नहीं करना है, ठीक है. अब आपको लेना है गर्म पानी, ठीक है, गर्म पानी आपको लेना है और आपको धीरे धीरे पोर करना है पत्तों के ऊपर, ठीक है. जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ, देखिएगा ध्यान से, धीरे धीरे, ठीक है. और ये जो पानी जो फ्लो हो रहा है ना, इस पानी पे फोकस करके आपको विश मांगना है कि क्या चाहते हो जो आपका जल्दी से पूरा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर विश है कि मुझे इंटरव्यू लेटर रिसीव हो जाए 1 हफ्तों के अंदर, ठीक है. तो मैं क्या करूँगी, ये जो पानी, जो गर्म पानी जो यहाँ पर फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे मैं इस पानी पे फोकस करूँगी, मेरी नज़रें इस पानी के बहाव में रहेगी और मैं अपने मन में सोचूँगी कि मुझे 1 हफ्तों के अंदर इंटरव्यू लेटर रिसीव हो जाए. और इस तरीके से आप विश को सोचते रहिए अपने मन में, ठीक है, फ्लो करते रहिए पानी को, सोचते रहिए. और ये विश आपका कोई भी विश हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, कुछ भी, करियर से रिलेटेड, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका यह विश हो सकता है. एक टाइम पर एक ही विश आपको मांगना है अनटिल अनलेस वो फुलफ़िल हो जाए.
तो विश को जैसे पानी फ्लो होता रहेगा ना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए और रुक रुक के मत डालिएगा। मैं आपको अभी शो करने के लिए डाल रही हूँ, बस इस तरीके से एक फ़्लो बने रहना चाहिए। और इस फ्लो में आप 3 से 4 बार यू नो इंटेंशन को फोकस कर सकते हैं उस पानी के फ्लो के साथ, और अपने विश को मन में मान सकते हैं। आपको जोर जोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, मन में आप सोच लीजिए ओके। और जब आपका पानी डल जाए तो आपका काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद आपको लेना है वनीला एसेंस, वनीला ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल है ठीक है। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल में वनीला ऑयल अवेलेबल है वो यूज़ कीजिए। अगर ऑयल नहीं है, वनीला एसेंस इजीली किसी भी मार्केट स्टोर में आपको मिल जाएगा, तो वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स या वनीला ऑयल के कुछ ड्रॉप्स आपको डाल देने हैं ठीक है। आपने डाल दिया, बस आपका जो टेक्निक है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब ये जैसे ही आपने इस टेक्निक को किया, आपको उठना है, पीछे मुड़ना है, दूसरे रूम में दूसरे एरिया में चले जाना है, पीछे घूमकर देखना नहीं है। इसको आपने जहाँ पर किया है वहीं पर रहने दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। और जब आप करके उठकर जाएंगे तो आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं है, सीधा आप किसी दूसरे कमरे में चले जाइए ठीक है, या घर से बाहर निकल जाइए, डिपेंड कर आप कहाँ पर कर रहे हो ठीक है। और फिर 5-10 मिनट बाद आप बाहर निकल के आइए। बाहर निकलने के बाद आपके घर के टेरेस में या आपके घर के बालकनी में, जहाँ से भी रोशनी एंटर कर रही है, यूनिवर्स की रोशनी, मतलब जहाँ पे खुला है थोड़ा बहुत ठीक है, वहाँ पर आपको इसे रख देना है रात भर के लिए। जैसे सुबह होगी आपको उसे लेना है और ये पूरे तरीके के पानी को पत्तों के साथ आपको कहीं पे ड्रेन कर देना है ठीक है। कहीं पर फ्लश कर सकते हो आप, बेसिन में ड्रेन कर सकते हो आप, घर की मिट्टी में दे सकते हो ठीक है। तो इससे बस आपका जो टेक्निक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपको कुछ भी नहीं सोचना कि आपने कोई टेक्निक किया है या आप फोकस कर रहे हो कि कब आपकी वो मन्नत पूरी होगी, कब वो विश आपकी पूरी होगी। देखिए कोई भी टेक्निक करने के बाद अगर आप रिज़ल्ट पे फोकस करते बैठ जाओगे कि रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, 1.5 दिन हो गए, बहुत लोग करते हैं, गिनते रहते हैं बैठ कर कि इतना टाइम में बोला गया था, अभी 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो इस तरीके से एक यहाँ पर ना एक अटैचमेंट आ जाती है ओके, डिपेंडेंसी आ जाती है, जिससे आपका रिज़ल्ट मिलेगा ही नहीं। तो आपको लेट गो कर देना है ठीक है, टेंशन लेना ही नहीं है। बिकॉज जब आप टेंशन नहीं लेते हो तो आप यूनिवर्स को शो कर रहे हो कि आपको फेथ है, इसी वजह से आपने किया है और आपको पता है कि ये होगा। तो जो चीज़ होनी होती रहती है उसके बारे में इंसान टेंशन नहीं करता। टेंशन इंसान कब करता है, जब उसको उस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती या उसको पता नहीं होता कि होगा भी या नहीं होगा, तब वो ज़्यादा टेंशन करता है या फिर रिजिड तरीके से यू नो फोकस करते रहते हैं। तो आपको लेट गो कर देना है। तो ये जो टेक्निक मैंने आपको बताया, ये आप ट्यूसडे एंड थर्सडे को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हो ठीक है। हफ्तों में 7 दिन होते हैं, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार और थर्सडे यानी कि गुरुवार, इन दोनों दिन को छोड़कर आप किसी भी दिन इसे कर सकते हो। इवनिंग के टाइम पे कीजिए तो आपके लिए इजी होगा, आप इवनिंग पे या फिर जैसे रात होने आ रही है 7-8 बजे उस टाइम पे कर सकते हो। तो क्या करोगे आप, करने के बाद आप इसे ईजीली बालकनी में या टेरेस पे रख सकते हो, किसी की इंटरफेरेंस भी नहीं होगी, कोई पूछेगा भी नहीं ज़्यादा यू नो कि क्या है क्या नहीं है। और आप अर्ली मॉर्निंग में उठकर आप इसे फ्लश कर सकते हो, ड्रेन कर सकते हो ओके। सो इससे आप कोई भी विश मांग सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा विश मत मांग लीजिए ठीक है। स्टार्ट करें छोटे से, देन अगर आपकी पूरी होनी शुरू हो जाए तो आप डेफिनेटली बड़ा विश मांग सकते हैं। बट इंस्टेंट रिजल्ट के लिए छोटे छोटे विशेस अगर आप मांगेंगे तो इंस्टेंटली एक दिन के अंदर अंदर भी वो विशेस पूरी हो सकती है ओके। तो इस टेक्निक को ज़रूर आप अप्लाई करें, ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको कोई और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ओके। सो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए वीडियो, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।